नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। इस वक्त बारिश ने पूरे भारत में तबाही मचाई हुई है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में बाढ़ आई थी और दिल्ली के लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे, लेकिन दिल्ली पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों पर खतरा है। गुजरात की तस्वीरें आप देखिए, गाड़ियां पुल ऐसे बह रहे हैं जैसे कोई कागज की चीज हो। गुजरात में भी 3-4 दिनों तक रेड अलर्ट जारी किया गया, यानी कि 3-4 दिनों तक अभी और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। गुजरात के हालात बेहद खराब है। गुजरात से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी चेतावनी दी गई है, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की खबरें हैं, शिमला में बादल फटने की खबरें हैं। पूरे भारत पर इस वक्त जो है जल प्रलय का खतरा है। यमुना का जलस्तर फिर से 206.75 दर्ज किया गया है। हथनी कुंड बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार बादल फटने की खबरें आ रही हैं, भूस्खलन की खबरें आ रही हैं, और पहाड़ों का सारा पानी जो है हथनी कुंड बैराज पर आकर रुक जाता है, जिसकी वजह से हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ दिया जाता है। इससे पहले जब दिल्ली के इलाके डूबे तो लोगों को बड़ी परेशानी हुई थी, दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, और एक बार फिर से दिल्ली के लोगों में दहशत बनी हुई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे हिंडन नदी का पानी गाजियाबाद की कॉलोनियों तक घुस गया है। न जाने जल प्रलय भी और कितनी तबाही मचाएगा। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनटीवी निष्पक्ष।